वाले बुग्याल में देख सकते हैं भाई कैसे फूल खिले हैं पूरे। यहाँ पर दो मिंडे लड़े थे इस जगह पे, तभी इस जगह का नाम मिंड फड़ा पड़ा। इस वाले लोकेशन से अंदर गुफा, बहुत भयंकर वाली गुफा है इधर। इस जगह का नाम है मिंड फड़ा। 50-60 गाय थी इधर, लेकिन मेरे को 4 गाय मिले हैं और कोई नहीं। ये वाला जितना भी कोहरा सब हट जाता तब हमको गाय, मेरे को गाय दिख जाते। वो भालू का भी डर है इधर। मैं इस वाले जंगल वाले एरिया में ढूंढ रहा हूँ तो बहुत परेशान हो गया भाई, बहुत परेशान। ये पता नहीं क्या हो गया इसको। इस वाले साइड में भाई बहुत खतरनाक कोहरा लग गया फिर से। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसको नमक दे दिया है, आ रहा हूँ। सोच रहा आप घर जाऊंगा मैं इसके साथ, लेकिन घर नहीं आएगा ये। 2-3 बैल इधर मिल गए मेरे को, लेकिन इन बैलों में से कोई भी बैल नहीं है हमारा। एक गाय की टोली यहाँ पर मिल गई, सारे बैल ही बैल हैं इधर। नीचे में 7-8 गाय हैं नीचे, लेकिन उनमें कोई गाय नहीं है अपने। अभी का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, काफी सुंदर। टॉप पे चढ़ गया मैं। ये नहीं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ सुबह के 9 बजे से। मैं अकेला निकल रहा हूँ अपने घर से, मैं निकले हुए आधी 1.5 घंटा हो गया है मेरे को, फिर निकलूँगा। आपको आगे का सफ़र ज़रूर बताऊँगा क्या क्या होने वाला है आज के ब्लॉग में। अभी बहुत तेज़ बारिश लग रही है, जिसके कारण भाई बहुत तेज़ लग रही बारिश, और मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना, मैंने जैकेट भी खोल दी। और आपको बता दें बारिश कितनी तेज़ लग रही है, देख रहे हैं आप लोग, बहुत तेज़ वाली बारिश लग रही है। सो गाइस, मैं अभी पहुंच गया हूं टॉप पे। इस टॉप से 2-3 रास्ते कटते हैं, मतलब इस टॉप से 4 रास्ते कटते हैं। आप लोगों को बताते हैं बहुत तेज़ बारिश लग रही है यहाँ पर, तो आप लोगों को बताते हैं यहाँ से 4 रास्ते कटते हैं। जो ये वाला रास्ता जाता है, ये वाला रास्ता, ये जाता है रणकाधार के लिए, और जो यहाँ से नीचे जाता है, ये जाता है नीचे एक वहाँ पर एक मैदान सा है, वहाँ पर बोलते हैं बजमाड़ा। और ये वाला रास्ता जाता है ऊपर बुग्याल के लिए, तो अभी मैं इसी रास्ते से निकलूँगा ऊपर बुग्याल में। तो इस बुग्याल में, उस बुग्याल में हमारे गाय बच्ची किधर हैं उसको ढूंढेंगे, फिर उनको नमक पानी देंगे। और इधर फिर ये वाला रास्ता जाता है वान विलेज के लिए, और फिर आगे से जाता है कनोल गांव के लिए। तो यही रास्ता यहाँ से कुगिना खाल के लिए भी निकलता है, और कनोल गांव के लिए भी निकलता है, और वान गांव के लिए भी निकलता है। तो अभी निकलूँगा इसी वाले रास्ते से आगे बुग्याल, तो आप लोगों को फिर आगे बताते हैं मैं बुग्याल। वैसे तो यहाँ कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 10 मीटर के डिस्टेंस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहाँ जाके भाई कैसे मेरे को पता लगेगा कहाँ गाय बच्ची किधर है, लेट नहीं करते, बारिश बहुत तेज लग रही है। इस वाली जगह से आगे बुग्याल शुरू हो गया है, लेकिन जैसे मैं बुग्याल में पहुंचा तो यहाँ पर बिल्कुल कोहरा हट नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हट रहा है। और इधर पूरा चारों तरफ देख सकते हैं, पूरा नहीं हट रहा कोहरा। तो भाई गैस कैसे लगा सकते हैं भाई किधर होंगे गाय, वैसे तो बहुत बड़ा बुग्याल है। तो आगे निकलते हैं भाई, देखते देखते आ गया मैं यहीं से, पूरा बुग्याल शुरू हो गया। देखते हैं आगे कहाँ मिलते हैं हमारे गाय और बैल कहाँ मिलते हैं, तो आप लोगों को बताता हूँ फिर मैं आगे। इस वाले बुग्याल में देख सकते हैं भाई कैसे फूल खिले हैं पूरे चारों तरफ, बिल्कुल गुलाबी रंग के फूल खिले हैं पूरे, इतना मस्त बुग्याल लग रहा है इधर। इस वाले जगह का नाम है मिंड फड़ा। मिंडू ने यहाँ पर मतलब पत्थर को फाड़ करके निकले थे अपने अपने जगह। यहाँ पर 2 मिंडे लड़े थे इस जगह पे। यहाँ पर एक लाटू देवता का मिंडा लड़ा और एक दुसिंह देवता का मिंडा लड़ा। तो 2 देवता किस किस गांव के हैं वो भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। दो मिंडे जो थे, जो लाटू देवता का मिंडा था, भेड़ जिसको बोलते हैं बड़ा सा मिंडा, तो वो भेड़ या मिंडा वो था वाण गांव का, जो वाण गांव में लाटू देवता का मंदिर है। तो दोसिंह देवता का मंदिर जो है सुतोल गांव में है। तो ये मान्यता है कि वाण गांव में
जो लाठू देवता का मंदिर है तो वहाँ पर एक देवदार का पौधा है, एक देवदार का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। तो उसी पेड़ के पास में निकला था लाठू देवता का मिंडा, जो यहाँ से निकला था अंदर ही अंदर। और जो दूसिंग देवता का मंदिर है वो है सुतुल गांव में, वहाँ पर एक सुराही का पेड़ है, तो एक ही सुराही का पेड़ है पूरे गांव में। तो उसी गांव में क्या उसी मंदिर पर है, एक मंदिर के पास में है, एक मंदिर के ही पास में सुराही का पेड़ है। तो दूसिंग देवता का जो मिंडा है वो वहाँ निकला था। तो दो मिंडू की लड़ाई इसी जगह हुई थी, तभी इसी जगह का नाम मिंड फड़ा पड़ा। आप लोगों को बताते हैं कि वो किस जगह से मतलब अंदर ही अंदर जा करके सुतुल गांव में निकला और एक वान गांव में निकला। तो गुफा कुछ इस प्रकार से, यहाँ से अंदर है पूरा गुफा है, मतलब यहाँ से अंदर है गुफा है। आप लोग गेस कर सकते हैं कि यहाँ से पूरा नीचे है गुफा इस वाली जगह पे। एक इधर से है, इस वाले लोकेशन से है अंदर गुफा, बहुत भयंकर वाली गुफा है इधर भी। ये देखो भाई, ये है वो गुफा। हम लोगों को कैसे बताऊं मैं, अंदर जाके दिखाऊं क्या, अंदर दिखाता हूँ भाई। यहीं से गए थे मेंढकों की लड़ाई है, इस वाली जगह दो मेंढकों की लड़ाई हुई थी। तो दो मेंढे जो है कि इस वाली जगह से, इस जगह का नाम है मिंड फाड़ा। तो मैं ही पता नहीं लगा सकता हूँ अंदर क्या है भाई, कुछ पता नहीं है, अंदर भी जा नहीं सकता हूँ मैं, अकेला भी हूँ। लेकिन ये अंदर पता नहीं कहाँ तक है सुराग, बहुत अंदर तक है। यहाँ अंदर भालू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस वाले सुराग में, कुछ गैस नहीं लगा सकता हूँ मैं। क्या बता, आ जाए बाहर सीधा निकल के, डर लग रहा मेरे को बहुत ज़्यादा। ये है वो गुफा, ये है वो गुफा अंदर, ऊपर से और यहाँ से। भाई डर लग रहा मेरे को बहुत ज़्यादा, मिंड फड़ा है इस जगह का नाम। तो इस वाली जगह से लड़ाई हुई थी दो मिंडों की, तो इस वाली जगह से एक निकला था सुतुल गांव में, एक निकला था वान गांव में, जो कि दो मिंडों की लड़ाई हुई थी। दो मिंडे जो थे, एक दूसिंग देवता का मिंडा था, एक लाठू देवता का मिंडा था। अभी जो है बारिश रुक गई है और ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से मैंने ये भी पहन दिया है। इस वाले बुग्गाल में तो मैं पहुंच गया हूं, लेकिन यहां पर ढूंढ रहा हूं मैं गायों को। लेकिन दो गाय, दो बैल इधर हैं, एक बैल पता नहीं किसके है इधर। लेकिन इस वाले बुग्गाल में बहुत ज़्यादा कांटे हैं, ये देखो कांटे वाले पौधे हैं बहुत ज़्यादा। इसको बोलते हैं यहाँ की भाषा में सिमकंडला। 50-60 गाय थी इधर, लेकिन मेरे को 4 गाय मिले हैं और कोई नहीं मिला इधर। तो आज की डेट में एक भी इंसान नहीं मिला मेरे को, एक भी इंसान। यहाँ भी है ये दो, इसके बैल इधर ही, एक बैल ऊपर है, एक ये 5 है इधर। ये वाला कोहरा जो दिख रहा ना, ये कोहरा एकदम पूरा क्लीन हो जाता तब, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी गाय होते वो भी दिख जाती किधर है। इसमें कुछ पता नहीं लग रहा किधर गाय है, ऐसे में कुछ पता नहीं लग रहा कहाँ होंगे गाय, कुछ पता ही नहीं लग रहा। मैं इधर जा रहा हूँ तो गाय यहाँ नीचे होंगे तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, अगर मैं इस वाले रास्ते से आया तो यहाँ नीचे गाय होंगे, दिखाई नहीं दे रहे गाय। मैं यहाँ से इधर निकल जाऊँगा गाय इधर ही छूट जाएंगे, ऐसे करके पूरे बुग्गाल में कहीं दिख ही नहीं रहे गाय। भालू का भी डर है इधर, क्योंकि जंगली जानवर जो हमारे ये पालतू पशु हैं, अगर इधर मरे होंगे ये तो वहाँ पर मतलब भालू आया होगा ज़रूर। तो वैसे तो यहाँ पर स्मेल भी नहीं आ रही है, लेकिन देखते हैं आगे। मैं ये जंगल है, जंगल के साइड में इसमें 7-8 गाय हैं यहाँ पर, बैल गाय और 2-3 यहाँ नीचे भी हैं, और हमारे वाले गाय नहीं है इधर, वो पता नहीं कौन से वाले टोली में हैं। लेकिन मैं इस वाले जंगल वाले एरिया में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल रहे मेरे को गाय अपने वाले। दोस्तों यहाँ पूरा मैंने नीचे पूरा जंगल ढूंढ लिया है, इधर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कोहरा लग गया इधर फिर से। तो यहाँ ढूंढा तो ऊपर तक, ऊपर भी ढूंढा मैंने बहुत सारा, और इसके पीछे भी ढूंढा बहुत ज़्यादा, नीचे तक गया था मैं। तो अभी यहाँ पर पहुँच गया, बारिश शुरू होने वाली है, अब बारिश शुरू हो गई है और तेज़ बारिश लग रही है अब। और इसके नीचे बैठ गया मैं, एक उसको बोलते हैं एक गुफा मतलब उजरा टाइप का है, करछला बोलते हैं इसको, उसके नीचे मैं आ गया। तो अभी देखते हैं ढूंढते हैं भाई, अभी कोशिश तो जारी है मेरी। तो भाई भूख भी लग गई मुझे, तो भाई लंच लेकर आ रहा था मैं, लंच करते हैं, लंच के बाद मैं आपको फिर मिलता हूँ कंटिन्यू। तो गैस लंच भी कर लिया मैंने, फिर उसके बाद इस साइड में आया, तो इस साइड का मौसम पूरा खुल गया है। तो मैंने ये वाले साइड का पूरा ढूंढ लिया था कोहरे में, अभी तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं यहाँ से और नीचे उस जंगल में भी गया, वहाँ पर भी रहते हैं गाय। फिर उसके पीछे से ये वाले पीछे के पेड़ में भी देखा पूरा, वहाँ इस वाले पीछे में कम से कम 8-10 गाय इसके पीछे है, जो 5-6 गाय मिले थे मेरे को उस वाले टॉप के पीछे मिले थे।
और यहाँ तो नीचे एक भी गाय नहीं है। और अभी थोड़ा मौसम अभी साफ हो रहा है और नीचे देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा है, सीधा ऊपर ही आ रहा है क्राउड। और इस वाले साइड के उधर में है वो गाय, 10-12 गाय हैं। और मैं अभी जिस वाले रास्ते से निकलूँगा अभी, तो यहाँ से उधर जा कर के वहाँ देखूँगा कि वहाँ है नहीं है गाय, तो आप लोगों को बताऊँगा जरूर। भाई इस वाले साइड में पहुँचा तो यहाँ पर 3 गायें हैं ऊपर और 2 भैंस हैं ऊपर। भाई 3 भैंसे गाय इधर मिल गई मेरे को। मैंने बहुत सारे गाय देख लिए, भैंस देख ली, लेकिन हमारे वाले गाय मिली नहीं। पता नहीं कौन से वाले टोली में निकल गए वो। कंटिन्यू बारिश चालू हो गई है अभी से, और पीछे में भाई बहुत ज़्यादा कोहरा है इधर। इस वाले साइड में भाई बहुत खतरनाक कोहरा लग गया फिर से, मेरे को यहाँ से वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो भाई ढूंढते ढूंढते इतना परेशान हो गया मैं, ढूंढते ढूंढते मैं बहुत मुश्किल हो रहा ढूंढना। तो वैसे तो इस वाले साइड में मैंने ढूंढ लिया है, वहाँ से वो वाले साइड में पूरा ढूंढ के ऊपर से ढूंढ लिया पूरा, और फिर यहाँ से निकलूँगा उधर के लिए। अपना गाय एक तो देख लिया मैंने, गाय इधर हमारी है गाय शायद, ये वाली गाय हमारी है, ये वाली गाय गाइस। और इसको मैं नमक दूंगा अभी, ज़्यादा इससे डर लग रहा है मेरे को बहुत खतरनाक। दोस्तों फाइनली मैंने इसको नमक दे दिया है, तो यहाँ इन भैंसों के साथ ही है। अपना मुँह दिखा दे तो एक बार, ये है ये। इसको मैंने अभी पिन्ना दिया, पिन्ना आ रहा, वो सोच रहा आप घर जाऊँगा मैं इसके साथ, लेकिन घर नहीं आएगा ये, ये इधर ही रहेगा, इस वाले बुग्याल पर रहेगा ये। किसका भैंस है भयंकर है, देखो देखो मारने के लिए आ रहा गाइस, देखो मारने के लिए आ रहा गाइस, देखो दोस्तों मारने के लिए आ रहा भाई, पता नहीं किसका भैंस है, खतरनाक है, सिंह देखो उसके खतरनाक काटे हैं उसके सिंह, पता नहीं किसके। चलो मैं चलता हूँ भाई, फिर उसके बाद दूसरे बैलों को ढूंढता हूँ, अब पता नहीं बैल किधर है, ये आएगा मेरे पीछे लग रहा है, उसको नहीं आने दूंगा मैं। आप जगह से निकल गया मैं आगे, तो अभी भी बहुत ज़्यादा कोहरा लग गया, बैलों को ढूंढते ढूंढते और भी परेशान हो गया हूँ मैं। इस वाले साइड में मेरे को मिल ही नहीं रहे वो, देखो चारों तरफ पूरा कैसा हो गया है पूरा, मतलब यहाँ पता ही नहीं लगता भाई, जैसे वेदर साफ रहेगा तभी यहाँ गाय को देखने में, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर दिख जाता है गाय। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि हर 10 मीटर के रेंज में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक ही गाय मिला है, बैल तो पता नहीं कहाँ है, उनका कोई आता पता कुछ पता ही नहीं है। तो इधर ढूंढते हैं उनको, आप भाई उनकी खोज में जब लगा रहूँगा मैं तभी वो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। एक बैल है पता नहीं किसका है, यहाँ पर मिल गया मेरे को इसी वाली लोकेशन में, पता ही नहीं लग रहा भाई कौन कहाँ है, ये अकेला है यहाँ पर, पता नहीं और कहाँ है। 2-3 बैल इधर मिल गए मेरे को, लेकिन इन बैलों में से कोई भी बैल नहीं है हमारा, एक नीचे है, इन बैलों में से कोई भी बैल नहीं है हमारा। निकलते हैं आगे वाले टॉप की तरफ, एक गाय की टोली यहाँ पर मिल गई, सारे बैल ही बैल हैं इधर भाई, यहाँ पता ही नहीं लग रहा गाय किधर है, कोई यहाँ है कोई नीचे है, कोई नीचे है कोई उससे नीचे है, कोई इधर है कोई कहीं है, कुछ पता नहीं लग रहा है। लेकिन जो अपने वाले बैल हैं वो पता नहीं किधर है, उनका कोई पता नहीं लग रहा है। तो अभी इस वाले साइड में देखते हैं, मिलते नहीं मिलते बैल, दिखाते हैं आप लोगों को फिर। देखो गाइस अभी कैसा हो गया मौसम, बिल्कुल इधर से बहुत ज़्यादा फॉग आ रहा है, और इस वाले साइड में देखो कैसा हो गया पूरा, एकदम क्लीन लग रहा है, और चारों तरफ बहुत सारे बादल आ रहे हैं, और नीचे में 7-8 गाय हैं नीचे, लेकिन उनमें कोई गाय नहीं है अपने। अभी का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी सुंदर बाग, बहुत खतरनाक और है अभी का नज़ारा। टॉप पर आ गया मैं, ऊपर टॉप पर चढ़ गया मैं, ये नीचे दिख रहा ना आपको, ये वाला नीचे पूरा यहाँ टूट रहा था मैंने, यहाँ से उस वाले टॉप के नीचे भी यहाँ गाय है, इसके पीछे भी वो नीचे भी, सब जगह ढूंढा मैंने गायों को, लेकिन मेरी एक ही गाय मिली, बाकी बैल पता नहीं।